हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी की सभी। तो वेलकम है अपनी ड्रैगन बॉल की सीरीज में। तो गाइस वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए यार सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं बीच में। फिर उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हुआ उसके बाद वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दिया और अभी अपनी वीडियो आ चुकी है। तो भाई बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना क्योंकि बहुत ही खतरनाक और मजेदार होने वाली है। और हाँ, एक और बात, अभी तक आपने चैनल को भी यार सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। हम फिर से अर्थ पे क्या कर रहे हैं? हम तो दूसरी जगह जाने वाले थे ना। हाँ, ये दूसरी जगह ही है, ये यूनिवर्स 14 है, अपना वाला 7 नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम अपने यूनिवर्स से इतनी दूर ये वाली यूनिवर्स में क्या करने के लिए आए हैं? हमारा मकसद तो फ्रीजा को फिर से जिंदा करना था ना। हाँ, हम उसी चीज के लिए आए हैं। अगर यूनिवर्स 7 में हम ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करते तो गोकू और उसकी टीम को पता चल जाता कि हमने फ्रीजा को फिर से जिंदा किया है। इसलिए हम अपने यूनिवर्स से काफी दूर आए हैं इस वाले अर्थ पे, क्योंकि यहाँ भी ड्रैगन बॉल्स हैं। हम उन्हें इकट्ठा करके फ्रीजा को फिर से जिंदा करवा सकते हैं और काफी पावरफुल भी हो सकते हैं। तुम्हारा प्लान तो काफी बढ़िया है, पर एक बात बताओ, वो गोकू इस यूनिवर्स में पहुँच गया तो फिर हम क्या करेंगे? उस गोकू को सिर्फ यूनिवर्स 12 तक ही पता है, उसके बाद का यूनिवर्स का उसे कुछ आइडिया नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो अब हमें जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल इकट्ठा करनी है और लॉर्ड फ्रीजा को फिर से जिंदा करना है। हाँ सही कहा तुमने, चलो फिर जल्दी जल्दी ढूंढते उन सारी बॉल्स को। आखिर ये लोग थे कौन, एकदम आसमान से टपके? और ये आखिर किस बॉल के बारे में बात कर रहे थे? और ये फ्रीजा कौन है? मुझे इन लोगों में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे जल्द से जल्द जोकर को बताना पड़ेगा कि हमारे मैप में कुछ बाहर के लोग आ गए हैं। तो आप देख ही सकते हैं इन सभी घर को जो मैंने डिजाइन किए हैं। ये जगह काफी कम लेते हैं और स्पेस अंदर से काफी ज्यादा होता है और देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं ये। तो बताओ जोकर, कैसा लगा तुम्हें ये? हाँ, ये घर देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं। सही है, इस बार तुमने कुछ नया लुक दिया इन सभी घर को। तुम्हें ऐसे ही और घर बनाने पड़ेंगे इस एंगल में, ताकि हमारे जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको दिक्कत ना हो बाद में। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही अपनी टीम से बात करके काम स्टार्ट करवा देता हूँ। कुछ ही टाइम में एरेंगल में काफी जगह ऐसे घर होंगे और सारे लोग जो बेघर हैं उसमें फिट बैठ जाएंगे। बहुत अच्छे, तो फिर आज से ही स्टार्ट कर दो काम। हाँ वो तो ठीक है, पर उससे पहले मुझे एक चीज और दिखानी तुम्हें। कौन सी चीज? मैंने एक नया व्हीकल बनाया है जो काफी मस्त है। एरेंगल में पहली से इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, अब तुम कौन सी चीज लेके आ गए? चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये रही वो मेरी इन्वेंट करी हुई गाड़ी। तुम्हें लग रहा होगा कि ये रोड पे चलेगी, पर ऐसा नहीं है। जब तुम इस गाड़ी में बैठोगे तब ये रोड के ऊपर चलेगी, मतलब कि थोड़ी सी हवा में रहेगी, और ये पानी के ऊपर भी चल सकती है जो कि दूसरी गाड़ियां नहीं चल सकती। काफी मजेदार लग रही है, चलो फिर इसकी एक टेस्ट ड्राइव तो लेते ही है। हाँ बिल्कुल। चलो अब रेस दो जोकर। इसमें एक बूस्ट वाला बटन भी है जिसे दबा के तुम और तेज चल सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए। काफी अच्छी गाड़ी थी, तुमने काफी अच्छे इन्वेंट्स किए इस बार, घर बनाने से लेकर गाड़ी तक। तुम्हारा शुक्रिया जोकर। और हाँ, जो मैंने कहा था घर बनाने का वो भूल मत जाना। तुम टेंशन मत लो, वो आज ही मैं करवाता हूँ। चलो ठीक है, फिर अब मैं घर जा रहा हूँ, पोसाइडन से कुछ जरूरी बात भी करनी थी। ठीक है फिर, बाय बाय।
आज देखना तुम कैकरोट, तुम्हें कैसे धूल चटाता हूँ मैं। पिछली बार तो तुम जीत गए थे, पर इस बार मैंने काफी ट्रेनिंग करी है तुम्हें हराने के लिए। वजीटा, तुम ये नहीं भूलना कि मैंने भी काफी ट्रेनिंग करी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर तुम गलत हो। वो तो अभी पता चल जाएगा जब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे कैकरोट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी हाई है वजीटा, लगता है तुमने टाइम चेंबर में काफी ट्रेनिंग करी है। हाँ सही कहा तुमने, मुझे और पावरफुल बनना है। पता नहीं फ्रीजा के बाद और कौन आ जाए सड़क पे जो हम पे भारी पड़े, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। उसकी टेंशन तुम मत लो वजीटा, जब कोई आएगा तब हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। अभी के लिए अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, चलो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हो जाए फिर। तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग करी है वजीटा, मान गए तुम्हें, पर मेरे ख्याल से अभी भी तुम थोड़े से कमजोर हो। क्या मतलब क्या है तुम्हारा कैकरोट, क्या कहना क्या चाहते हो? कामेहामेहा। तुम्हारी तो ही, मैं तो तुम्हारा ध्यान बटा रहा था वजीटा, और तुम मेरे जाल में फंस भी गए। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत नाक में दम कर दिया मेरे, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। वैसे क्या बताने वाले हो? अब बच के दिखाना तुम मेरे से। ये गलत बात है वेजीटा, हम नॉर्मल फॉर्म में फाइट कर रहे थे ना। आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया कैकरोट। तुमने चीटिंग करी है वजीटा, मैं नॉर्मल फॉर्म में था और तुम सुपर सैयन में। तुम दोनों यहाँ ट्रेनिंग करने में लगे हो जबकि वहाँ फ्रीजा का आदमी उसे फिर से वापस जिंदा करने में लगा हुआ है। अरे ये क्या कह रहे हो, अभी तो हमने फ्रीजा को हराया था कुछ टाइम पहले, वो फिर से वापस कैसे जिंदा कर सकता उसे? लगता है इसका दिमाग चल चुका है इसलिए कुछ भी बका जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, उसका जो खास आदमी है वो यूनिवर्स 14 में ड्रैगन बॉल्स ढूंढने गया है जिसकी मदद से वो फ्रीजा को वापस जिंदा कर सकता है। क्या यूनिवर्स 14? ये कब आया? इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने सिर्फ 12 यूनिवर्स देखे थे, उसके बाद के कहां से आ गए? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें वहां पे जाके उसे रोकना पड़ेगा। अगर फ्रीजा वापस जिंदा हो गया तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। अब ये क्या मजाक चल रहा है, अब हमें वाले यूनिवर्स में जाना पड़ेगा जबकि हमें पता भी नहीं है कि वहां जाया कैसे जाए। अरे तुम फिकर मत करो, हमारा दोस्त है ना, वो बता सकता है कि हम यूनिवर्स 14 में कैसे जा सकते हैं। कौन सा दोस्त, मुझे तो याद नहीं किसी के बारे में। अरे तुम चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुमने काफी अच्छा किया उसे और घर के बारे में बोल दिया बनाने के लिए। हाँ क्योंकि लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और लोग आते ही जा रहे हैं क्राकेन मैप से, क्योंकि वो मैप अब रहने के लिए बचा ही नहीं है बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल बंजर मैप है, मुझे कुछ टाइम पहले लग ही रहा था कि वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ कि हमने अपने इंजीनियर को पहले ही बोल दिया घर बनाने के लिए, जिससे कि जो लोग आए उनको प्रॉब्लम ना हो। जोकर भाई कहाँ पे हो आप? जोकर भाई अरे इधर हो आप सब, एक बुरी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। अरे तुम क्या हुआ, तुम इतना डरे डरे क्यों लग रहे हो, क्या बात है आखिर? मेरे घर के पास कुछ लोग हवा में आ गए अचानक से अपनी स्पेसशिप के साथ, और उसमें से 2 लोग बाहर आए। क्या स्पेसशिप अचानक से हवा में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं जोकर भाई मैं सच बोल रहा हूँ, वो कोई दूसरे यूनिवर्स की बात कर रहे थे जहाँ से वो आए हैं। वैसे वो लोग इधर क्या करने के लिए आए हैं, आपस में कुछ बात करी उन लोगों ने? हाँ हाँ उन्होंने बात करी, वो कोई बॉल्स ढूंढने की बात कर रहे थे जिससे कि वो कोई फ्रीजा को जिंदा कर सके जो कि उनका बॉस है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पोसाइडन, आखिर ये लोग चाहते क्या है? दूसरा यूनिवर्स? हाँ और वो यहाँ पे आए अपने बॉस को जिंदा करने के लिए। मुझे लगता है कि इनका जो यूनिवर्स है वहाँ पे ये काम हो नहीं पा रहा होगा इनसे, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिनसे ये कर सके, इसलिए हमारे यूनिवर्स में आए हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि ये अच्छे हैं कि बुरे, इसलिए हमें इनसे पहले बात करनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा कि इनका इरादा क्या है। जोकर तुम जाओ इसके साथ, जाके देखो तुम आखिर वो लोग है कौन और वो किस चीज को ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है मैं भी जाता हूँ इसके साथ। चल फिर जल्दी चल, दिखा मुझे कहाँ पे आए थे वो लोग। हाँ ठीक है जोकर भाई चलो।
गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, और जिन जिन भाई वीडियो में हेल्प करी भाई सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए, और आज का नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा तो वेट करना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।